ये अपना मिर्जापुर 2 में सबसे बेस्ट वाला सीन ये वाला था। शर्मा जी से क्या शर्माना। कल संडे है मैंने, सभी संडे के लिए S1000 को रेडी करें। कल मैं जीएसए लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जीएसए पूरा खतरनाक गंदा होता है। हम लोग एक राइड के लिए गए थे 2 दिन पहले, सो अभी के लिए कल संडे राइड के लिए S1000 निकलेगा। एंड S1000 के लिए पूरा गियर्ड अप कल हो के निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारा गियर्स को मैं पूरा भेजा था, पूरा मतलब वो ड्राई वॉशिंग के लिए, वो सब वॉश वॉश हो के पूरा चकाचक हो के आया हुआ है। अभी के लिए पहले गाड़ी को रेडी करते हैं, देखते हैं तेल वेल है कि नहीं, तो पूरा सुबह सुबह उठ के तेल भरने के लिए निकलना पड़ेगा। बाइक इज रेडी, तेल भी फुल होके है, सो एटलीस्ट सुबह सुबह तेल भरने का टेंशन नहीं रहेगा। चलो एवरीथिंग इज रेडी, साफ सुथरा करके पूरा चकाचक कर दिया गया है राइड के लिए, चेन को भी ल्यूब एंड चेन वेन भी रेडी कर दिया गया है, सब कुछ रेडी कर दिया गया है, तेल भी है, बाइक इज रेडी फॉर टुमारो। आज एक्चुअली प्लान था 2-3 वीडियोस बनाने का, बाकी आज पूरा दिन मेरा मिर्जापुर देखने में निकल जाएगा लगता है। एंड कल वाला अपना संडे राइड के लिए टोटल गियर भी रेडी, हेलमेट अभी चार्ज हो रहा है, शायद 1-2 घंटा लगेगा अभी चार्ज होने के लिए। ये इसका चार्जिंग वाला पॉइंट, ये हेलमेट के बारे में हम कभी और वीडियो बनाएंगे। कल जाएगा अपना ये सुपर टेक वाला बूट्स, उसके बाद जाएगा सुपर टेक वाला ग्लव्स एंड मोटोस्कीवर्स का कैप जाएगा, मोटोस्कीवर्स का टी शर्ट जाएगा, एल्पिनिस्टर का सॉक्स जाएगा, लोन राइडर का मास्क जाएगा एंड हीट आउट का बैलाक्लावा जाएगा हाफ वाला, डाइनीजी जैकेट निकलेगा, डाइनीजी पैंट निकलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइडिंग गियर सेट फॉर टुमारो। सो नॉर्मली यही रहता है कि संडे का राइड के एक दिन पहले सैटरडे रात को ही ये सब को रेडी करके रखना पड़ता है, क्योंकि मालूम नहीं रहता कि संडे का राइड जब, अगर सुबह 5 बजे उठना है, कभी कभी 5:15, 5:30 हो जाता है, तब फटाक से उठ के रेडी होकर फिर स्पीड से चला के फिर पहुँचना पड़ता है। सो इसीलिए मेरे को नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, सैटरडे रात फिर टोटल गियर्ड अप हो के, मतलब गियर्ड अप होता नहीं हूँ, गियर को रेडी करके रखता हूँ, संडे उठ के फटाक से पहन के बस खड़े निकलना है राइड के लिए। So, पहली बार ऐसा हुआ है दुर्गा पूजा में कि मालूम नहीं पड़ रहा बाहर में क्या चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली दुर्गा पूजा में इतना ज्यादा सेलिब्रेशन होता है, लगता है एक पूजा का माहौल है, बाकी इस टाइम इज टोटल सूखा रूखा। मेरा तो सुबह सुबह बेसिकली 2 वीडियो बनाया, उसके बाद 6 वीडियो आज एडिट किया हूँ, 6 वीडियो को पूरा स्केड्यूल भी कर दिया हूँ नोमैड चैनल के लिए। सो मेरा जो इटालियन रोड ट्रिप था उसका डे बाय डे का फुटेजेस में अभी शायद day 3 तक पहुँचा हूँ, day 3 तक 6 वीडियोज हो चुका है टोटल स्केड्यूल होके। सुबह 10 बजे भी डल रहा है, मतलब अपलोड हो गया है, सो आपको हर दिन सुबह 10 बजे उसका पूरा लंबा वीडियो आ रहा होगा। सो अगर आपने वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं नीचे डाल देता हूँ लिंक, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मेक श्योर टू वॉच दोस वीडियोस, इट्स वेरी सूदिंग, इट्स वेरी काम। बहुत लोगों ने ये वाला चीज़ पूछा कि भैया आप iPhone 12 ले रहे हो कि नहीं, कब ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, कितना पैसा आएगा वो iPhone 12। iPhone 12 के बारे में डेडिकेट वाला वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत लोगों का वही सेम वाला क्वेश्चन है, iPhone 12। मेरे को नहीं समझ में आता कि आईफोन का इतना क्यों हाइप है, बाकी एनीवेज उसका वाला वीडियो मैं जल्दी ये वाला वीक में बनाऊंगा, आपको पूरे डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे आईफोन 12 को कम पैसा में ऑर्डर कर सकते हो। मेरा जो वो इटली का रोड ट्रिप होता है, एक मस्त वाला चीज़ मैं ये देखा था, इटली में बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं, उनके गाड़ी के पीछे पूरा मस्त ट्रॉलर जैसा लगा रहता है, उसके ऊपर उनका बाइक्स रहता है, वो लोग सिटी से जब घर से निकलते हैं, मतलब टाउन के थ्रू हाईवे के थ्रू, वहाँ से वो कार लेके जाते हैं, जब पहुँचते जाके माउंटेन्स पे पासेस पे, उसके बाद जाके बाइक मतलब कार को साइड करते हैं, अपना राइडिंग जैकेट पहनते हैं, उसके बाद वहीं से बाइक चलाते हैं, पूरा मतलब उसका जो माउंटेन रेंज रहता है वो पूरा बाइक से ख़त्म करके फिर आके कार में लोड करके फिर कार में घर लौटते हैं, ये वाला एक ड्रीम जैसा है। लास्ट में वीडियो मैंने कहा था कि मेरे पास वो जो एप्पल का जो छोटा वाला क्या बोलते हैं उसको ईयरफोन है, वो वाला एक है, और कुछ मतलब वो जो अपना डी ब्रांड का कुछ स्किन्स है, ऐसे बहुत सारे एक्चुअली बहुत सारा सामान है, तो मैं ऐसे एक एक करके बोलूंगा तो आपको मतलब आप कमेंट डाल के थक जाओगे, मैं फिर रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना कि उसका जितने भी सब आइटम्स है मेरे पास जो कि पड़ा हुआ है, जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नया है या यूज्ड है, जो भी है, वो सब आइटम्स को अपना माई स्टॉक पे यूज्ड वाला कैटेगरी बना के उसमें सबको डाल दूँ, तो अगर आपको किसी को भी चाहिए जाके आप डायरेक्टली खरीद सकते हो, हम नॉर्मली 24 आवर्स में उसको शिप कर देंगे। तो मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे गैजेट्स जो कि मैं यूज नहीं कर रहा हूं, पूरा उसको लिस्ट करके एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, उसके बाद जाए यू कैन एक्चुअली बाय इट एंड गेट इट। सो अभी के लिए वो जो 2-3 आइटम थे उसके लिए मेरे इतना ज्यादा मैसेज आया, एप्पल वो जो ईयरपोड दे दो, एप्पल का ईयरफोन दे दो,
वेट फॉर दैट वीडियो। वो वीडियो आने के बाद आपको टोटल डिटेल्स वाला लिंक मिल जाएगा, जिसको आगे चाहिए होगा पहले जिसको जो जाके खरीदेगा उसको जाके मिल जाएगा। आज एक्चुअली ये वाला वीडियो प्लान था 2 बजे बनाने का, बाकी 2 बजे से मैं बैठा हूँ पूरा मिर्ज़ापुर 2 को। आज मेरे को मतलब मेरा डिसाइडेड था कि आज पूरा मिर्ज़ापुर 2 ख़त्म करना है, तो फिर कल मेरे को और सारे वीडियोज़ के लिए काम करना पड़ेगा। तो आज पूरा मिर्ज़ापुर ख़त्म, अभी जस्ट एंड हुआ। एंड जस्ट स्पॉइलर अलर्ट, Season 3 इज कमिंग। Season 3 में भी नेक्स्ट ईयर तक आएगा, बाकी स्टोरी मस्त है। अगर किसी ने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच द मिर्ज़ापुर 1 फर्स्ट, देन ओनली वॉच द मिर्ज़ापुर 2। पहले 1 देखो उसके बाद ही 2 देखो। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 को देखते हैं उसको 1 नहीं देखते, उनको कुछ भी समझ भी नहीं आएगा। तो पहले 1 देखो उसके बाद 2 देखो। और एक चीज़ प्लीज़, उसको वो पायरेटेड टॉरेंट वॉरेंट करके मत देखो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है प्रोडक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एंड जो भी क्रू मेंबर्स, तो बहुत ज़्यादा काम लगता है। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दोज फिल्म मेकर्स, रिस्पेक्ट दोज प्रोड्यूसर्स, ऑल्सो रिस्पेक्ट दोज क्रू मेंबर्स, एंड प्लीज़ टॉरेंट वॉरेंट करके उसको डाउनलोड करके मत देखना। अमेजोन का सब्सक्रिप्शन ले लो, 1000 रुपये आपका बहुत कहीं कहीं वेस्ट होता होगा। 1000 रुपये देने से आपको अमेजोन प्राइम का पूरा 1 साल का पूरा मेंबरशिप मिल जाएगा। एंड वॉच द मिर्ज़ापुर 1 एंड 2। सो जो सब चोरी करके देखते हैं, टॉरेंट डाउनलोड करते हैं, प्लीज़ थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, क्रू मेंबर्स को, जो लोग इतना टाइम खर्चा करते हैं, इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इतना ज़्यादा काम करके आप लोग के लिए इतना अच्छा सा सीरीज निकालते हैं। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दोज पीपल एंड ट्राई नॉट टू डाउनलोड और ट्राई नॉट टू गेट इट फ्रॉम द टॉरेंट और ट्राई नॉट टू सपोर्ट पायरेसी। अमेजोन प्राइम का 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको अमेजोन प्राइम का 1 साल तक का मिलता है, उसमें बहुत सारा शोज है, आप जाके प्लीज़ उसका सब्सक्रिप्शन लो एंड मिर्ज़ापुर 1 एंड 2 देखो। और भाई लोग एक बात बताओ, वो जो अमेजोन पे भी नया एक आया है अमेजोन वाउचर्स, अगर आ अमेजोन में कुछ भी ऑर्डर करते हो फटाक से ईमेल आ जाता है कि अमेजोन कूपन अनलॉक्ड, अमेजोन दिस वाउचर अनलॉक्ड। उसके बाद वो आज तक मेरे लिए कभी काम नहीं किया, मेरे को इतना सारा वो सब वाउचर्स आया हुआ है, इतना सारा कूपन कोड्स आया हुआ है, एक भी आज तक काम नहीं करता। तो वो वाला जो ईमेल आता है, वो वाला किसी के लिए भी वो वाला काम किया है कभी भी? उसके अंदर जो लिखा रहता है ना पूरा, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब भी मैंने देखा है पूरा, जैसे पूरा मैच भी करता है, बट आज तक मेरे लिए कभी काम नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आए हैं, मैंने शायद ट्राई किया 1 या 2 बार, वो 2 बार कभी काम नहीं किया। सो बताओ कभी वो अमेजोन वाला जो वाउचर, जो कैशबैक वाला चीज़ काम करता है भैया या नहीं? चलो आज के लिए इतना ही था, मेरे को भी जल्दी से सो के उठना है। एक्चुअली ये वाला वीडियो को एडिट करना है, इट्स ऑलरेडी लाइक 10:30 PM राइट नाउ, सो अभी एडिट करके इसको डालने में ही और 1 घंटा लग जाएगा। फिर मेरे को जल्दी से सो के सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के, 5 बजे एक्चुअली उठ के राइड के लिए जाना है, बिकॉज इट्स संडे टुमारो एंड आई एम राइडिंग माय S1000 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग राइड के लिए। S1000 वैसे तो मैं ऑफिस लेके जाता हूँ छोटा छोटा राइड के लिए, बाकी कल S1000 निकलेगा एक पूरा लंबा, एक 200-250 किलोमीटर वाला राइड के लिए। चलो आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू लुक, बाय बाय।